आप मत उठाइए। ये देखो पीयू नन्नू क्या कर रही हैं, तुम्हारी मिक्सी क्लीन कर रही हैं। चमक गई मिक्सी, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। देखो देखो नन्नू क्या क्लीन कर रही हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? मिक्सी की सफाई कर दे। मिक्सी की सफाई, और साथ में यहाँ पे मम्मी मसाला भी भून रही हैं। ये देखो पीयू अभी तक नहाई नहीं आज है। सैजन की सब्जी मैं लिख रही थी। आज बनेगी सैजन की सब्जी। ये है ड्रमस्टिक, जो कि सांभर वगैरह में भी पड़ता है, तो वो मसालेदार सब्जी मम्मी आज बनाने जा रही हैं अपने तरीके से। हाँ, तो मसालेदार बनती है वैसे, लोग बनाते हैं, पर हमने कभी नहीं बनाया। मम्मी बना रही है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैंने अभी अपने फेस पे फेस मास्क लगाया है। क्या लगाया है? चावल का आटा जो मम्मी ने उस दिन बनाया था ना फरा, वो बच गया था, तो मैंने थोड़ा सा उसमें दूध मिला करके लगा लिया है। चावल का आटा बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, सो बच रहा था तो मैंने उसको वेस्ट नहीं किया। और मम्मी आज कुछ सैजन की सब्जी बना रही हैं, सो मैंने तो कभी वो बनाया नहीं है, और आज मम्मी बना रही हैं, तो बस वही है, अभी मसाला भुन रहा है। अब बोलूँगी नहीं क्योंकि फेस जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी शाम हो गई है और आफ्टरनून के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। आफ्टरनून में मैंने दिखाया था, मैंने फेस पैक लगाया था चावल का, उसके बाद से फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। क्या कर रही थी मैं? कुछ नहीं, ऐसे ही बस मम्मी के साथ बातें बातें करना, टाइम यूँ ही निकल गया, पता नहीं चला। शाम के अभी बज रहे हैं 7, और आज डिनर में बनने वाला है टिकिया चाट पकौड़ी बताशे गोलगप्पे, ये सारी चीज़ें आज डिनर में बन रही हैं। सो वो सारी रेसिपी तो नहीं शेयर किया है, लेकिन दिखाऊंगी अभी यम्मी यम्मी सी चाट पापड़ी, ये सारी चीज़ें। और पीयू खेल रही है, और अभी वर्मा जी ऑफिस से नहीं आए हैं। हवा आज अच्छी चल रही है, आज का मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है। पापा योगा कर रहे हैं, और पीयू भी साथ में वहीं पे ही बैठी है, वो भी करती रहती है पापा के साथ, आपने देखा था कल परसों वाले व्लॉग में। यहाँ पे ये टिकिया जो है वो सिक रही है, साथ में ये है मटर, जो कि मटर वाली चाट बनेगी। और ये है यहाँ पे मम्मी ने बनाया है सोठ वाली मीठी वाली चटनी, साथ में ये सोहाल पापड़ी बन गई है, और यहाँ पे प्याज गार्निश के लिए प्याज एंड धनिया रखा है। यहाँ पे ये मेरी बन गई है सोहाल पापड़ी, यमी यमी सी। चलिए मैं इसको एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ ब्रेक के बाद। बहुत बढ़िया बनाई है आपकी चाट ना। चाट? अच्छा, क्या क्या है चाट में? टिक्की और ये सोहाल, सोहाल पापड़ी, इसको कहते हैं पापड़ी चाट, ये वाली यूपी के सभी लोग जानते होंगे। और कुछ करेला भी बनता है। हाँ बोलो पीयू। छोड़ दीजिए, काव्या के साथ हम लोग खेलते हैं। अभी चलते हैं काव्या के साथ खेलने के लिए। पीयू को जाना है काव्या के साथ प्ले करने। और हाँ, ये मैं बता रही थी, इसको लोग करेला भी बोलते हैं ना पापा जी। वो करेले के शेप का बस रहता है, कटी कटी जाली वाला। रामू चाचा जब जाते थे तो वो करेला जरूर खाते थे चाट की शॉप पे। एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी 11 बज रहे हैं, हम लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है। आज बने थे वेजिटेबल अप्पे, और मैंने आज हेयर वॉश किया है, बहुत गर्मी लग रही थी इसीलिए। और अभी सब लोग बैठे हुए हैं, चलिए मिलवाती हूँ मैं आपको सबसे, देखते हैं सब लोग क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पे पीहू गेम चल रहा है, पढ़ाई चल रही है पीहू की। टेबल
टू का टेबल चल रहा है। अरे मेरे पीहू को सब आता है, 2, 3, 4, 5 पूरा 10 तक। अंदर मखाना कट कर रही हैं। मखाने की मम्मी ने कहा खीर बना देते हैं, जब से आए खीर वीर नहीं बनी है। और आज वर्मा जी घर पर है तो वर्मा जी को पसंद भी है ड्राई फ्रूट की खीर, तो उसमें काजू बादाम और ये सारी चीज़ें डाल करके बना रही हैं मम्मी। और अभी पीहू को मुझे नहलाना है, तैयार करना है, वो अभी तक नहाई नहीं है। चलो उसको तैयार कर लेती हूँ। तो कह रहे हैं यहाँ पे देखो तैयारी शुरू हो रही है। इसमें क्या करना है, इसमें नापना पड़ेगा। आप मत उठाइए, हम उठाइए जरा, एक बार उठाइए, फिर से उठाइए। ये जो है अराउंड आपका 26 किलो के आसपास है। सो गाइज, अभी मम्मी पापा फिर से बाहर गए हैं, उन्हें कुछ काम था, अभी निकलने की तैयारी बहुत जल्दी होने वाली है। देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। पीहू खेल रही है अपने खिलौनों से, नानू नहीं है तो वो चुपचाप बैठ जाती है। और वर्मा जी अभी लेट गए हैं और मम्मी पापा के अभी जाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत जल्दी उनको निकलना है, तो आपको अगले व्लॉग में ही हो सकता है देखने को मिल जाए। और मुझे, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मम्मी पापा के ये बैग रखे गए हैं, अभी ये तौले जा रहे थे कितने किलो के बैग हैं, क्योंकि फ़्लाइट में ना केजी के हिसाब से बैग्स जाते हैं, तो वही सब यहाँ पर अभी तैयारी चल रही थी। वैसे तो सब कुछ बराबर ही है, 23 kg आप पर बैग होना चाहिए, 4 बैग आप ले जा सकते हैं 2 टिकट्स पे, ऐसा मैं आपको बता दे रही हूँ। अमेरिका के फ्लाइट पे भी यही चल रहा है। और RT-PCR आपके पास मस्ट होना ही चाहिए, और बाकी तो आपके जो वो वैक्सीन वाले रिपोर्ट्स हैं, मतलब वैक्सीन वाले जो आपके वो आते हैं ना, कार्ड्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स, वो सब आपके पास होने चाहिए। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, इनकेस अगर आपको जाना है तो आप लोग को हेल्प मिल जाएगी। और आज लंच में बन रहा है मिक्स वेज, अरहर की दाल, रोटी, चावल, सब्जी, चटनी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। ये देखिए थोड़ी तैयारी मम्मी करके गई हैं, सब्जी वब्जी काट गई थी तो अभी मैंने उसको छौंक दिया है। चलिए आप लोग चलिए, पहुँचिए पहुँचिए, बंद कर लीजिए गेट। चलिए दूसरी बुलाइए, दूसरी। सो गाइज, ये अभी शाम की क्लिप है, हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, मम्मी पापा और वर्मा जी, हम सब लोग एक साथ आज फर्स्ट टाइम ही बाहर निकल रहे हैं थोड़ा सा आउटिंग के लिए, तो आप लोग को भी लेकर के चलते हैं। कहाँ जा रही हो? नो, जूहू बीच नहीं जा रहे हैं, बस जूही बीच थोड़े ना जाते हैं, कहीं और जा रहे हैं, सरप्राइज। तो गाइज़, ये देखिए, ये जो शक्तिमान में एक कैरेक्टर थे, उनका नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, आप लोग को अगर याद आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। मैं उनको पूरा रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, वो हमारे बगल से ही जा रहे थे। ये देखिए, ये आपको एक्टर दिखाई दे रहे होंगे, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यस और नो, दोनों तरह की बात है।
साढ़े छः तक है तो हम अंदर जाएंगे, नो पार्किंग। नेशनल पार्क। एसी बंद कर दो भाई। संजय गांधी नेशनल पार्क। तो पहले हम लोग गए थे संजय नेशनल गांधी पार्क, बट वो बंद हो गया था, बीच में बहुत ट्रैफिक था तो हम लोग पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए। उसके बाद हम लोग आ गए थे इधर जुहू नोवोटेल होटल, और यहाँ पे थोड़ा हम लोग घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएंगे और फिर इन्जॉय करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग भी देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर हो रहा था, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। सामने देखिए आपको समुंदर भी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे मैं पहले भी अपने वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, बट मम्मी पापा को लेकर के आए थे तो आप लोगों को तो दिखाना बनता है। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा, वेदर अच्छा था, मम्मी पापा का साथ था और हम सब लोग ने एंजॉय किया तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे पीहू ना निकल रही थी, उसका ग्लास पे सर जो है वो लड़ गया, उसने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे मिरर ग्लास है, मतलब ग्लास का डोर है, और उसका सर पे थोड़ा सा लग गया। फिर मैं उसको वही कह रही थी कि आपने देखा नहीं ना कि वो ग्लास है, सो वही है। चलिए चलते हैं घर। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मम्मी पापा के जाने का टाइम आ चुका है बहुत ही जल्दी, तो देखते हैं कल के ब्लॉग में आपको क्या देखने को मिलता है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा। हवा बहुत, पीयू को ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, क्या लग रही है? अच्छा लगा पीयू को? मजा आया? तो चलिए गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं फिनिश कर देती हूँ। मिलती हूँ कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।